अगर मंदबुद्धि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए तो क्या होगा? ये तो भारत का सौभाग्य है कि नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। उन्नाव से बीजेपी उम्मीदवार साक्षी महाराज ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। इन गधों को ये नहीं पता किसको लाओ, किसी का नाम तो बताओ। साक्षी महाराज ने कहा कि राहुल शीर्ष शासन लगाए, चाहे प्रियंका शीर्ष शासन लगाए, यूपी में कांग्रेस का कोई भला नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कांग्रेस की एक भी सीट आने वाली नहीं है, ये भारत कांग्रेस मुक्त होने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर देवता भी उतर आए तब भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला है। साक्षी महाराज ने उम्मीद जताई है कि देश भर में बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। साक्षी महाराज ने एसपी बीएसपी गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। लोग मोदी को हटाना चाहते हैं, मोदी को कमजोर करना चाहते हैं, पर देश की जनता ने मोदी को जमाए रखने का। अगर मंदबुद्धि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए तो क्या होगा? ये तो भारत का सौभाग्य है कि नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। सारे चोर उचक के बेईमान इकट्ठे हो गए, मोदी हटाओ। इन गधों को ये नहीं पता किसको लाओ, किसी का नाम तो बताओ। अरे मोदी हटाओ तो किसको लाओ? दौलत की बेटी मायावती को लाओ कि सारे प्रदेश को लूट लूट के सैफई में भर दिया, उन अखिलेश यादव को लाओ या ममता दूरवानों को लाओ या मंदबुद्धि राहुल को लेके आओ? हमने तो कहा था राहुल गांधी से कि तुम हमारे पास आ जाओ ना, मैं हार गया तो पार्टी हार गई, आओ हम और अब लड़ते। लेकिन हमारे सामने तो क्या, हमारी छोटी बहन स्मृति ईरानी के आगे नहीं डटवाया, वो चला गया केरला। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कांग्रेस की एक भी सीट आने वाली नहीं है, ये भारत कांग्रेस मुक्त होने वाला। इस देश की जनता अब ज्यादा नुकसान सहन करने के मूड में नहीं है, और ये इलेक्शन हम और आप नहीं लड़ रहे, आप तो लड़ रहे होंगे, मैं नहीं लड़ रहा। ये इलेक्शन हिंदुस्तान की जनता लड़ रही है। मैं तो अभी दो लोकसभा में प्रचार करके आया झारखंड में, जसीडीह और गिरिडीह, जैसी यहां पर स्थिति है सारे देश में ऐसी स्थिति है। तो मुझे लगता है अब की बार 400 पार बहुत बढ़िया स्थिति है। लोग मोदी को हटाना चाहते हैं, मोदी को कमजोर करना चाहते हैं, पर देश की जनता ने मोदी को जमाए रखने का संकल्प ले लिया है।